Hey guys, welcome back to my channel. So, इस वीडियो में मैं कुछ बात करने वाली हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और आई डोंट नो मैं सही हूँ कि गलत हूँ बट मुझे शेयर करनी थी ये बात. गाइज, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल द बेल आइकॉन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई पुट अ वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मुझे ना इस साइड पे यहाँ पर कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे थे. सिर्फ एक ही जगह पर हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक उसी पर्टिकुलर जगह पर हो रहे थे, बट ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर हो रहे थे. एक बार जा रहा था पिंपल, फिर दोबारा आ रहा था और उस वो जो भी पिंपल आए सब में पस थी, मतलब पस फिल्ड एक्ने थे. तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने एडैप्लिन जेल, ये जो मेरे पास जेल है एडैप्लिन 0.1%, मैं ये लगाती थी. मैंने ये नोटिस किया कि ना, मैं जब एडैप्लिन जेल मैंने उन पर लगाया तो उन्होंने स्कार छोड़ दिया. स्कार यानी कि गड्ढा. मैंने एक भी पिंपल को प्रेस नहीं किया, किसी भी पिंपल को मैं हाथ नहीं लगाती हूँ. अगर वो इन्फ्लेम्ड है तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ. सो मैं सिर्फ ये जेल लगा रही थी जिस टाइम पे मुझे यहाँ पर पिंपल हो रहे थे, मैंने सिर्फ ये जेल लगाया था. तो मैंने नोटिस किया जब वो पिंपल हील हुए ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा होल है, मतलब इतना इतना भी छोटा नहीं है, आपको दिखेगा. अगर आप इन पर्सन देखेंगे तो दिखेगा आपको वो. अभी मैं आपको कितना भी पास से दिखाऊं नहीं दिख रहा है, बट आई नो वो स्कार है वहां पर, गड्ढा है पूरा, मतलब लिटरली छोटा सा गड्ढा है. वो स्कार जो है वो उन्हीं पिंपल की वजह से हुआ है. तो पहले मैंने एक चीज नोटिस की कि जब मैं एसिलिक एसिड लगाती थी या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड लगाती थी तब मुझे स्कार नहीं हुए कोई भी, मुझे इन्फ्लेम्ड एक्ने था. अभी मुझे रिसेंटली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस लाइट से कि यहाँ पर एक एक्ने है, ये बिल्कुल इन्फ्लेम्ड था. मैंने इसमें नाइट में एसिलिक एसिड लगाया और मॉर्निंग टाइम में बेंजोइल पेरोक्साइड लगाया. सो ये पिंपल बिल्कुल रेड से, मतलब बिल्कुल ठीक हो गया और इसने स्कार नहीं छोड़ा. अभी भी ये थोड़ा बम्पी है बट स्कार नहीं है, स्कार यानी गड्ढा नहीं है. ये तो एकदम स्किन के लेवल पे आ जाएगा बट जो गड्ढा है वो ठीक नहीं होगा. गड्ढा कभी ठीक नहीं होता जब तक हमें बहुत सारी सर्जरीज करानी पड़ती हैं. पिंपल को प्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें स्कार हो सकता है और स्कार कभी हील नहीं होता है. ये जो पिंपल था इस पर मैं लगा रही हूँ रात में एसिलिक एसिड और मॉर्निंग टाइम पे बेंजोइल पेरोक्साइड. बट इससे पहले जो मेरे पिंपल थे, यानी कि यहाँ जो पिंपल हो रहे थे मुझे मेनली यही हो रहे थे, इस पर मैंने लगाई थी एडैप्लिन जेल, ओनली एडैप्लिन जेल. 0.1% एडैप्लिन जेल है, सिर्फ ये लगाती थी और मुझे वहाँ स्कार छूट गया. और मुझे ना वो चीज़ बड़ी डिसअपॉइंट कर रही है कि यार क्यों मैंने इतनी अच्छे से केयर की थी अपनी स्किन की. मैं विटामिन सी लगाती थी, मॉइस्चराइजर लगाती थी, सनस्क्रीन लगाती थी, रात में एडैप्लिन जेल लगाती थी. मुझे समझ में नहीं आया कि एडैप्लिन जेल इन्फ्लेमेशन को कम करता है कि नहीं करता है, हम स्कार के होने के चांसेस को कम करता है कि नहीं करता है. अब मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए. अभी मेरे जो भी इन्फ्लेम्ड एक्ने हो रहे हैं मैं उन पे एसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड यही लगा रही हूँ, बट एडैप्लिन अभी मैं नहीं लगा रही हूँ. एडैप्लिन फॉर श्योर आपके जो कोमेडॉन्स हैं उनकी सीवियरिटी को कम करता है, उनको उनकी फॉर्मेशन को कम करता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये आपकी इन्फ्लेम्ड एक्ने को कम करेगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. वैसे भी ये जो क्रीम है जब आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी आपको यूज़ करनी है, अपनी मर्जी से तो वैसे भी नहीं करनी है. तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये क्रीम या जेल किसी भी फॉर्म में, एडैप्लिन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगा कि आप जब ये अपने पिंपल पे लगाते हैं तो वो पिंपल स्कार छोड़ता है कि नहीं. क्योंकि एसिलिक एसिड के साथ मैंने खुद देखा, यार एसिलिक एसिड के साथ तो इतने मोटे पिंपल आए मुझे और वो भी बिल्कुल हील हो गए बिना स्कार छोड़े. और इसमें तो मैं सच बता रही हूँ, ये वाला एक्ने कोई इतना बड़ा नहीं था, बस यहीं पर बार बार हुए जा रहा था. वो थोड़ा सा रेड था, इन्फ्लेम्ड था, प्लस उसमें पस भी थी. बट मेरे जो और पिंपल हो चुके हैं, रह चुके हैं, उनसे काफ़ी काफ़ी छोटा था. इवन मुझे इतना दर्द भी नहीं होता था इसमें, बस ये था कि हाँ यहाँ पिंपल है. और इससे भी बड़े मोटे पिंपल मेरे ठीक हुए हैं एसिलिक एसिड से, बेंजोइल पेरोक्साइड से. मैं अभी अपने इन्फ्लेम्ड एक्ने पर इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है. मेरे जब कोमेडॉन्स होंगे या फिर मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एक भी एक्ने नहीं होगा, तब मैं इसको यूज़ करूँगी. बट अभी अगर मुझे इन्फ्लेम्ड एक्ने है तो मैं बिल्कुल ये नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे अभी भरोसा नहीं है. जबकि मुझे यहाँ भी जो स्कार थे छोटे छोटे थे एकदम, वो भी चले गए.
रेटिनॉइन के यूज़ करने से, बट ये वाला थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा बड़ा है और मुझे यकीन ही नहीं हुआ यार, मैं इतनी अच्छा स्किन केयर रूटीन करती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा रीज़न क्या है। प्लीज़ अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सबकी हेल्प होगी, मेरी भी हेल्प होगी। अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो मुझे भी बताना। और मैं उन्हीं लोगों से पूछ रही हूँ जो ये क्रीम यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप बिना डॉक्टर से पूछे ये जेल यूज़ ना करें। मैं अपने डॉक्टर से भी बात करूँगी इस बारे में, बट अगर आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना, कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना, बाकी लोगों की भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।